हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें हम स्टडी करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल चैप्टर, और ऐसे सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और ऐसे इन उन सभी चैप्टर्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही नहीं, आपकी नीट एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें आपको एनसीईआरटी पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व करते आना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखिए और साथ में इस सीरीज से जुड़े रहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो बेटा, यहां पे हमने जो स्टार्ट किया है वो किया है हमने क्वेश्चन नंबर 2.1 से। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलो समझ लेते हैं, और साथ में ही ये भी हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन क्या है, देखो 2.1 हम जो है क्वेश्चन यहां पर सोल्यूशन लिखेंगे 2.1 क्वेश्चन का, है ना। सॉल्यूशन जो चल रहा है वो 2.1 का चल रहा है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्वड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब भी अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आता है तो आप हमेशा से गिवन लिखने की हैबिट रखिए। जब हम गिवन लिखते हैं तो हमें काफी चीजें क्लियर हो जाती है। तो अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, राइट। अब मास परसेंटेज जो ऑफ बेंजीन जो दिया है ना, क्या दिया है इसमें, मास परसेंट ऑफ बेंजीन। मास परसेंट ऑफ बेंजीन कितना है, देखो जल्दी से देखो, यहां पे मास परसेंट ऑफ बेंजीन ही हमें कैलकुलेट करना है, मास परसेंट ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम यहां लिखेंगे मास परसेंट ऑफ CCl4 क्या है, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या दिया गया कि इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब हमें मास ऑफ बेंजीन दिया गया है, मास ऑफ बेंजीन, और ये मास ऑफ बेंजीन कितना है लिख लो यहां पे जल्दी से, ये है 22 ग्राम। फिर हमें दिया गया है कि मास ऑफ CCl4 ये कितना दिया गया है, ये है 122 ग्राम। अब देखो, अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंट का, हमेशा से देखो, मास परसेंट ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, यहां पर हमें लिखना पड़ता है मास ऑफ सोल्यूट। यहां पर हम बेंजीन का ले लेंगे क्योंकि हम बेंजीन का निकाल रहे हैं, या फिर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, है ना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए वन बाय वन हम इसमें रख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब बेंजीन कितना दिया है, 22 दिया गया है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 22 मतलब जो एक कंपोनेंट है और साथ में ही जो दूसरा कंपोनेंट है उसका। तो तब यहां पर हम कर लेते हैं 22 अपॉन यहां पर आ जाएगा 144, और अब फाइनल आंसर आप यहां पर निकाल लीजिए। अगर मैं 11 से करती हूं तो यहां पर 2 आ जाएगा, फिर यहां 11 से करते हो तो 1, और फिर 11 3 33 आ जाएगा, और फिर वहां पॉइंट लेके हम नीचे आ सकता है, यहां पे 33 1 आ जाएगा, फिर हम नीचे लेंगे तो 0 पॉइंट, फिर यहां पर आता है, फिर इस तरीके से हम करेंगे तो यहां पर हमारा लगभग ये आंसर आ रहा है। तो ये है हमारा 2 अपॉन 13.01, इसका फाइनल आंसर भी आप यहां पे निकाल सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा मास परसेंटेज, और ये भी मास परसेंटेज किसका होगा, बेंजीन का। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हो इसी के क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन आपके रहेंगे कि जैसे कि आप, ये हमने किया बेंजीन का किया, चलिए 2 मिनट्स का टाइम लीजिए और 2 मिनट्स में ही आप जल्दी से सॉल्व कीजिए कि इसी का हमारा सेकेंड पार्ट जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए 2 मिनट्स का टाइम लेके फटाफट जो है कैलकुलेट करो। काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको निकालना है मास परसेंटेज अब हम किसका निकालेंगे, मास परसेंटेज अब हम निकालेंगे CCl4 का। चलिए 2 मिनट्स का टाइम लीजिए जल्दी से और फिर सॉल्व कीजिए। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है और आपको इसका सेकेंड आंसर आराम से मिल जाएगा। आपका इस सेकेंड आंसर भी इसका आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो आपने इस तरीके से CCl4 का भी सॉल्व कीजिए। यहां पे इनटू 100 लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है बेटा। अगर आप इसको इनटू 100 लिखना भूलोगे
तो फिर आपका आंसर गड़बड़ आएगा। यहां पर भी इनटू 100 लिखिए और फाइनल आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आंसर आ रहा है लगभग 15.27। सिमिलरली हम इसी पोर्शन पे CCl4 का भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मास परसेंट ऑफ CCl4 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा CCl4 का अगर मास दिया है तो वो 122 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 144 इंटू 100। चलिए आप ये भी कैलकुलेट करो बेटा, जैसे आप 11 से करते हैं तो 11 वन जा 11 हो गया, फिर 1 सो 11 वन जा 11 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा तो ये 01 के लगभग आता है। और यहां पे हम करते हैं 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर से 13.01। फिर आप आंसर निकाल कर फाइनल आंसर आप यहां पर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीजें। चलिए अब हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये मैं सेकेंड 2.2 यहां पर मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब जो हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन की हमारे पास में एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि जैसे कि अगर मान के चलो कि किसी भी बाइनरी कंपाउंड में दो चीजें हो सकती है, एक सोल्यूट हो सकता है, एक सॉल्वेंट हो सकता है। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वो पर्टिकुलर कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, पर पर्टिकुलर कंपोनेंट मतलब मैंने कंपोनेंट ए ले लिया है तो मैं यहां पर लिखूंगी मास ऑफ ए। ठीक है, यहां पर मास ऑफ ए मतलब या तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो, अगर आप लॉन्ग वे में नहीं जाना चाहते तो हम इसमें डायरेक्टली उसके नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हम थ्रू मास हम आराम से उसको निकाल सकते हैं ना। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे Na और नीचे रहेगा Na प्लस Nb इंटू यहां पर आ जाएगा 100। ठीक है, अब जब ये आ गया, चलिए वैल्यूज रखते हो इसमें, Na कितना है, Na हम कैसे निकालते हैं, देखो Na कैसे निकालेंगे हम, और ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, यहां क्वेश्चन में देखो बेंजीन दिया है तो मैं सबसे पहले यहां पे इसके बेंजीन के लिए निकालूंगी, है ना, बेंजीन के लिए। तो बेंजीन के लिए ये मतलब हमने क्या लिया है, बेंजीन निकाल लिया है। अब बेंजीन का पहले ये कैसे निकलता है, Wa अपॉन Ma। डब्ल्यू ए मतलब क्या हुआ कि कितना वेट दिया है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो 30% बाय मास, इसका मतलब हुआ है कि उसके पास में 30 ग्राम जो है वो है बेंजीन, 30 ग्राम क्या है, बेंजीन है, और 70 ग्राम जो है हम यहां लिख लेते हैं, 70 ग्राम जो है वो है CCl4 है, तब जाके ये 100 हो जाएगा, मतलब ये 30 ग्राम है। तो मैंने यहां लिख दिया है ये 30, बेंजीन का जो मोलार मास जो होता है वो 78 होता है। सिमिलरली हम इसके बी कंपोनेंट का निकाल लेते हैं, मतलब CCl4 का निकाल लेते हैं। CCl4 जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट किया इसका 70 होता है CCl4, तो अब इसका मास लेते हैं ये 12 प्लस Cl का 35.5 इंटू 4 करेंगे, इसको टोटल करोगे तभी आंसर आ जाएगा अपना 154। तो इसका जब आप सॉल्व करोगे ये होगा अप्रोक्सीमेटली 0.38, यहां पे जब सॉल्व करते हो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.45। आप बेटा पॉज करके खुद कैलकुलेट करके देखेंगे तब आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। यहां पे देखिए ये 100 की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मास परसेंटेज जो है ये ऑलरेडी हम यहां पर लिख रहे हैं, ये शायद गलती से हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम ये लिख लेते हैं, कर लेते हैं आगे का इसको सॉल्व। देखिए सॉल्व कैसे करना है बेटा, अब देखो Na कितना है, हम बेंजीन का निकाल रहे, कितना निकला है 0.38, नीचे कितना है 0.38 प्लस ये हो जाएगा 0.45। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये निकलता है 0.46, मतलब बेंजीन का ये निकला है। अब हमें एक रूल और पता है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। तो XA की वैल्यू तो हमने निकाल ली, मतलब ये A कंपोनेंट बेंजीन की वैल्यू हमने निकाल ली, वो कितने 0.46। अब मुझे XB की अगर निकालना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, XB इज इक्वल टू 1 माइनस 0.46, और यहां पर जो आंसर आएगा वो होगा XB इज इक्वल टू 0.54। इसका मतलब हुआ हमारा, अगर हम आंसर में देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना निकला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मतलब ए लिया हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.46, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 0.54। तो ये हुआ है इस सॉल्यूशन का आंसर, राइट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर आपको बीच बीच में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2.3।
2.3 क्या कहता है, देखो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हर इसकी मोलारिटी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मोलारिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो पहले से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले दिया है उन्होंने 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला आप सिंपली लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, हम इसको और स्पेसिफाइड करते हैं, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। और मैं अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है नंबर ऑफ मोल्स को ही, तो मैं यहां लिखूंगी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। और अगर कभी आंसर लीटर्स में दिया गया है तो हम इसका वॉल्यूम इन ml जो है हम लिख सकते हैं, इसमें वैल्यूज डाल के हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में कितना दिया है, डब्ल्यू बी कितना दिया गया है, देखो डब्ल्यू बी दिया है हमें 30, MB मतलब मोलार मास, मोलार मास CONO3 का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। यहां पर देखो ये क्या है, कोबाल्ट और NO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, इसका आपको मोलार मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब आप इसको सभी वैल्यूज जब रखेंगे तब आपका आंसर जो आता है ये आता है 291। बेटा आप सभी ने पहले भी पढ़ चुका है, कोबाल्ट का रखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, और इसका मोलार मास निकालिए, अगर वाटर है तो उसको मोलार मास को प्लस करना पड़ता है, इनटू यहां पर क्या आ जाएगा 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, कहा यहां लीटर है तो लीटर को मैं ml में कन्वर्ट कर लेती हूं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने सिंपल वे में इसको कीजिए ताकि इसका आंसर आप इजीली निकाल सके, और आंसर जो है वो है 0.024 आएगा, है ना, 0.024 ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको और इजी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, इसी का बी पार्ट में, 30 ml ऑफ 0.5 मोलार H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है, क्योंकि दो कंसंट्रेशन दिख रहे हैं हमें उस क्वेश्चन में। अब इन्होंने क्या कहा है कि M1 कितना दिया है, मतलब 0.5 मोलार, तो मैंने 0.5 मोलार लिया है। अब उसका वॉल्यूम कितना लिया है इन्होंने, वॉल्यूम जो लिया है वो 30 ml लिया है, प्लस मोलारिटी जो है, मोलारिटी अब हमें नहीं दी जो हमें कैलकुलेट करना है, और सेकेंड वॉल्यूम जो है वो 500 ml लिया है, तो x की वैल्यू जो है मैं इस तरीके से निकाल लूंगी। ये भी काफी इजी सा कैलकुलेशन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, और जब आप इसको करोगे तब आपको यहां पर आंसर जो मिलेगा वो होगा 0.03, मतलब ये हुई मोलारिटी, और ये कितनी आई हमारी 0.03। सो आई होप ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो, और ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो है 2.4 क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, फॉर्मूला भी दिया है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 केजी ऑफ 0.25 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब है यहां पर हमें मोलालिटी का फॉर्मूला यूज करना है। अभी हमने मोलारिटी का किया था, अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देती हूं। मोलालिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, उसमें भी हमने यही यूज किया था, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा, वहां पर हमने वॉल्यूम इन लीटर्स लिया था, यहां पर आता है मोलालिटी है, इसीलिए मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें आता है, केजी में, ठीक है। अगर आपको इसी को सिंप्लीफाई करना है तो जैसे हमने पहले लिखा था वैसे भी हम लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू यहां पर आ जाएगा 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में दिया रहता है, है ना। अब डब्ल्यू बी कितना है, क्वेश्चन रीड करके ध्यान से बताओ हमें, क्वेश्चन रीड करो और बताओ, तो डब्ल्यू बी तो दिया ही नहीं है, मतलब वही तो कैलकुलेट करना है। यूरिया का मास जो है वहां पर बेटा आपको फॉर्मूला दिया है, मतलब मास कैलकुलेट करना है, और यूरिया का मास 60 होता है इन टू 1000 अपॉन मास इन सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो यहां पर 2.5 दिया हुआ है, तो 2.5 ग्राम को जो है अब हमें नहीं पता, क्योंकि उसमें जो है सोल्यूट का भी मास, अब देखो यहां पर, अब थोड़ा सा ध्यान से समझो आप, यहां पर इन्होंने क्या किया कि 2.5 केजी ऑफ 0.5 मोल, मतलब उन्होंने मास ऑफ सोल्यूशन दिया है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 2500 ग्राम, मैंने केजी को
2.5 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। बस यहां पर हमें सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 25 माइनस WB, WB क्या है, उसका मास ऑफ सोल्यूट है, तो इसमें माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और फिर मैं यहां पर लिखूंगी माइनस WB, और यहां पे मोलालिटी जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है और वो है हमारी 0.25। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हमें पता चलता है कि WB जो है वो है 36.94 ग्राम। आप थोड़ा सा इसको पॉज कीजिए बेटा, आप कैलकुलेशंस करके देखिए, कैलकुलेशंस डिफिकल्ट नहीं है, आप कर लेंगे क्योंकि सभी ने इतना तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो स्टडी कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कैलकुलेट मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास दिया है, एक्वस के आई इज 1.202। अब देखो यहां पे हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो इन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला हमें, देखो सबसे पहले तो इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है मोलारिटी, बी क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो दिया है मोलालिटी, फिर उसके बाद में सी क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो बोला है मोल फ्रैक्शन। मतलब देखो एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोली है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से। जब भी डेंसिटी दी गई है तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, x इंटू डी इंटू 10, है ना, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन एम डी। अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि x क्या होता है, x मतलब कितना मास परसेंट दिया गया है ना, मास परसेंट कितना दिया है वो लिखिए, d मतलब होती है डेंसिटी जो क्वेश्चन में दी गई हो, है ना, mb तो आपको पता ही है मोलार मास ऑफ ए सोल्यूट, ठीक है, b जनरली हम सोल्यूट के लिए यूज करते हैं, तो ये कितना दिया है 20 दिया है, डेंसिटी कितनी 1.202, ठीक है, इंटू 10 अपॉन, अब मोलार मास ऑफ के आई, अब पोटेशियम का जब आप कैलकुलेट करोगे, है ना, आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए बेटा, के आई का पोटेशियम और आयोडीन का आप मोलार मास कैलकुलेट करके करेंगे तो ये जो आता है वो होता है 166, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1.45 मोल पर लीटर में, ठीक है, तो ये निकल गई आपकी मोलारिटी, ठीक है। अब हमें निकालना है मोलालिटी, अब हम मोलालिटी कैसे निकालते हैं, देखो इसके लिए भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। अब मोलालिटी निकालने के लिए मैं थोड़ा सा, आप आई होप आपने या तो स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है या तो फिर आपने इसको लिख लिया है, अब मैं इसको मिटा देती हूं ताकि हम नेक्स्ट जो है वो इजीली कर पाए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है हमारा मोलालिटी। अब मोलालिटी के भी कुछ फॉर्मूले जो है वो हमारे इस फॉर्मूला से मैच कर लेते हैं ना। अब मैच कैसे करेंगे ये देखो, जैसे कि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं ये ले लूं मोलालिटी तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज सकते हैं 1/m इज इक्वल टू डी अपॉन स्मॉल m इंटू एम बी अपॉन 1000, ठीक है। अब देखो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी की वैल्यू कितनी दी है 1.202 दिया है, डिवाइडेड बाय m कितना दिया है 1.45 दिया है, है ना, अभी आपने कैलकुलेट किया था ना m 1.45, मतलब ये मोलारिटी हुई, क्या है ये मोलारिटी। अब देखो mb कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 166 और अपॉन यहां पर हो जाएगा 1000, ठीक। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे दोनों को, है ना, इंडिविजुअली सॉल्व भी करते हैं, अगर इसका सॉल्व करते हो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली ये आता है, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, ठीक है। तो यहां पे आंसर, फाइनल आंसर जो रहेगा वो होगा 1.5 केजी पर मोल, ठीक है। चलिए मोल फ्रैक्शन के लिए निकाल लेते, मोल फ्रैक्शन के लिए भी हम एक रिलेशन यूज कर सकते जिसमें हम पहले मोलालिटी लिखेंगे, मोलालिटी इज इक्वल टू, है ना, मोलालिटी इज इक्वल टू, यहां पे देखो हमने ये 1.1 अपॉन m का ही लिया है, यहां पर भी 1 अपॉन m का लिया और लास्ट में हमने उसको m कर लिया है, तो यहां पर देखो हम कैसे लिखते हैं कि मोलालिटी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू 1000 अपॉन, यहां पर आएगा 1 माइनस एक्स बी और यहां पर होगा एम ए। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स बी की ही वैल्यू आपको निकालना है बिकॉज मोल फ्रैक्शन वही निकालना है हमें,
ठीक है, इनटू यहां पर आ जाएगा थाउजेंड। ठीक है, यहां पर देखो मोलालिटी की वैल्यू कितनी दी है वो भी हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा इजी हो जाए लिखने के लिए। आई होप आपने ये सभी ने नोट डाउन करके लिखा है। मैं सेम फॉर्मूला यहां पर फिर से लिखती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना। चलिए बेटा, चलिए करके देखिए, सभी करके देखिए, आप थोड़ा सा इसको पॉज कीजिए फिर करके देखिए तो ये और भी इजी रहेगा। तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन, अब मैं क्या निकाल रही हूँ, मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूँ। तो इसके लिए भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें मोल फ्रैक्शन है ना। अब थाउजेंड अपॉन ये एक है ना, यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस एक्स बी और यहाँ पर आ जाएगा एम ए। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। अभी हमने मोलालिटी की वैल्यू कैलकुलेट करी, कितनी हुई है मोलालिटी की वैल्यू यही पे देखिए, अभी आपके क्वेश्चन आपके सामने ही है तो आपको पता ही है ये 1.5 केजी पर मोल। ठीक है, 1.5 केजी पर मोल में इसका आंसर है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या रहा है 1.5, फिर ये एक्स भी ऐसे ही रहेगा इनटू 1000 अपॉन ये 1 माइनस एक्स भी ऐसे ही रहेगा। अब एम ए कितना है यहाँ पे 18 दिया हुआ है ना। मास ऑफ जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि एक्वस कहा गया इसलिए हमने वॉटर ले लिया है। ठीक, अब देखो जब ये पूरा कैलकुलेट ये होगा, जब इसको सॉल्व कर लोगे आप, तब आएगा आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.0263। ये है आपका फाइनल आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। सो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।